इंटरनल डीवी। टेस्ट पार्ट इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला डिराइव कर, ठीक है? ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम एक पॉइंट दिए पी, कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, एक दूसरा पॉइंट दिए क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू, ये तो बना हुआ लाइन सेगमेंट, इंटरनल डिवीजन है। तो तीसरा पॉइंट कहां पर होगा? P और Q के बीच में सेकंड ले लेता हूं, ये क्या है आर पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स कैसे x कॉमा y और ये डिवाइड कर रहा है इसको n और n पार्ट्स में, सही? अच्छा एक लाइन है यहां से लेके यहां तक कोई पार्ट है, ठीक, ये दिया 1:2 के रेशियो में डिवाइड है, टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ए बी और सी, ए सी पार्ट कितना, मतलब ए सी पार्ट कितना कैसे कैलकुलेट करते हैं इस वाले पार्ट के, इससे एम ये ना रेशियोस कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 और मल्टीप्लाइड बाय 10, ये पार्ट कौन सा है, ये वाला, अरे रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा हुआ किसी के, नहीं पढ़ा हुआ 1:2:3 एंगल्स का रेशियो था, करते थे लेफ्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स 2x 3x, यस हां यार आया यार, तो ये वाला पार्ट क्या देगा, 1:2 में है डिवाइड करके आएगा सम ऑफ रेशियोस, और जिसका पार्ट कैलकुलेट करना उससे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाइड बाय टोटल, ये वाला पार्ट कैसा जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1+2 और मल्टीप्लाइड बाय 10, ये लॉजिक क्लियर, ऐसे यहां से लेके यहां तक कितने डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी, जोर से बोलो भाई, ये बस ये अपना पड़ेगा स्केल ला देते हैं, बोर्ड विजिबल नहीं है, फिर से चेक करो, अब दिख रहे हैं, अभी दिख रहा है जो लिखा हुआ है, अर्सिया सिरोही अभी लिखा हुआ दिख रहा है,
6 7 पे मैं तीरा देता हूं कितने डिस्टेंस है खेलने के x1 ये डिस्टेंस है x1 अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है x x ये वाली डिस्टेंस x2 x2 ये वाली डिस्टेंस y1 ये वाली डिस्टेंस y ये वाली डिस्टेंस y2 y2 अच्छा इसको आगे एक्सटेंड कर दिए और इसको भी आगे एक्सटेंड कर ये p ये q r इसको बोल देता हूं s इसको बोल देता हूं t कितना सबको क्लियर अच्छा यहां से लेके यहां की डिस्टेंस बताने यहां से यहां तक x2 तो ये कंप्लीट कितनी होगी x2 ये वाला पार्ट कितना है x1 कितनी आ जाएगी x2 माइनस x1 अच्छा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस y2 माइनस y2 minus y अच्छा ये डिस्टेंस y2 minus y ये वाली डिस्टेंस x2 minus x2 minus x यहाँ पे किसी को डाउट नहीं कुछ नहीं है ना अच्छा दो ट्रायंगल को देखना कौन कौन से इन ट्रायंगल पी एस क्यू and triangle RTQ दो triangle वही अच्छा angle QPS is equal to angle QRT ये वाली line इसके parallel ये transversal कौन से एंगल से कोरेस्पोंडिंग एंगल एंगल एस इज इक्वल टू एंगल टी ये कैसे ये भी है कोरेस्पोंडिंग है और ईच कितना है 90 तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे अरे डबल ए सिमिलरिटी डबल ए सिमिलर है क्या एंगल ट्रायंगल पी एस क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी यहां तक किसी को डाउट है अच्छा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या है पी क्यू अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू एस क्यू अपॉन क्यू टी is equal to P S upon R T. सही लिखा है? बड़े वाले ट्रायंगल की साइड्स और नीचे क्या लिखा है? छोटे वाले ट्रायंगल की कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा? अच्छा जो जो लेंथ जैसे जैसे लिखती है कैलकुलेट करते हैं P से Q तक कितना है? ये वाला M और ये N कितना रहेगा m plus n upon r q कितना है n is equal to s q कितना y2 minus y2 minus y1 q t कितना
y2 माइनस y इज इक्वल टू पी एस कितना है x2 माइनस x1 अपॉन आर टी कितना है x2 माइनस x। कैलकुलेट क्या करना है नहीं डेरिवेशन एग्जाम नहीं लिए कौन सा अरे एम इज टू एन तो गिवन होगा ना रेशियो गिवन होगा फॉर्मूला में क्या चीज बताया था इंटरनल रेशियो में सी पॉइंट तो सी पॉइंट यहां पर कौन सा है आर कैलकुलेट किया करने आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी अच्छा आर सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी ये बता दो जल्दी लिखो एक बार लिखो फिर से रिपीट कर दो
क्लियर सर फिर? अच्छा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x, ये वाली डिस्टेंस x2, मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा x2, ये डिस्टेंस है x2, ये x1, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी x2 माइनस ये वाली डिस्टेंस कितनी है x, सेम कैलकुलेट किया इसके रेस्पेक्ट में, q से s तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी y2 माइनस y1, और r से t तक की, सॉरी q से t तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी y2 माइनस y1, फिर r से t तक कितनी आ जाएगी x2 माइनस x, दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर ट्रायंगल हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लगा लो एंगल क्यू दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल 90 या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल, कोई भी दो एंगल इक्वल किए दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं सिमिलर, तो सिमिलरिटी की कंडीशन लगा दी, क्या है कोरेस्पोंडिंग साइड्स के रेशियोस सेम होंगे, सेम कैलकुलेट किया पी से क्यू तक कितना है ये एम, ये वाला कितना है एन, तो एम प्लस एन फिर क्या है आर क्यू कितना है एन, तो डिवाइड बाय एन, फिर एस से क्यू कितना था वाई टू माइनस वाई वन, क्यू से डी कितना आ जाएगा वाई टू माइनस वाई, फिर क्या आएगा पी से एस कितना आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, और आर से टी कितना आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये n plus n divided by n is equal to y2 minus y1 upon y2 minus y, ये है ना? अच्छा कैलकुलेट क्या करना है, x और y दो चीजें कैलकुलेट करनी है, पहले वाले को इक्वल किया क्या कैलकुलेट होगा y, करते कैलकुलेट इसको मल्टीप्लाई किया इधर क्या है m plus n multiplied by y2 minus y is equal to n multiplied by y2 minus y, सही है? अच्छा इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या है m y2 minus m y, ठीक है ना, plus n y2 minus n y is equal to n y2 minus n y, कैलकुलेट क्या करना, सिर्फ y कैलकुलेट करना, y वाली टर्म्स इधर शिफ्ट कर देता हूं और बाकी की सारी टर्म्स इधर ले लूं, क्या है m y2 plus n y2 minus n y2 और plus n y1 is equal to n y plus n y, सही है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? अच्छा कैंसिल क्या हुआ? एवरेज टर्म कैंसिल, ये कैंसिल कर दिए, यहाँ से कॉमन क्या है? वाई कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या है? एन प्लस एन, यहाँ पर क्या है? एन वाई टू प्लस एन वाई वन, तो वाई किसके ऊपर है? m y2 plus n y1 divided by m plus n y coordinate, लिखो जल्दी, मृदुला अब आगे समझ में,
रशिया नो रिप्लाई आवाज आ रही है मेरी सबको जल्दी लिखो डन अच्छा यही किसके को था एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स देखो यहां पर वाई टू यहां पर क्या है एक्स टू यहां पर वाई वन यहां पर क्या है एक्स वन यहां पर कितना है वाई टू ये एक्स टू ये वाई और ये कितना है एक्स इसका मतलब सेम x को अगर रिप्लेस करूं y से तो सेम बन जाएगा इसका yes. मतलब x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है m x2 plus n x1 upon m plus n है किसी को डाउट है तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करके चेक कर लो अच्छी डाउट नहीं चाहिए है डाउट है किसी को भाई अभी याद करने का तरीका कर लो क्या याद करने का तरीका क्या ये था पी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या एक्स वन और वाई वन यहां पर दिया गया क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या थे एक्स टू कॉमन वाई टू इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ था और आर पॉइंट यहाँ कहीं पर था इसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स कॉमा वाई और डिवाइड कर रहा था एन इज टू एन ऐसे लाइन से सीधा करके सही अच्छा याद करके लिखा है एन को इस साइड पर लिखा गया है एन को इस साइड पर हेलो अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना तो सिर्फ एक्स को मल्टीप्लाई कर और वाई कोऑर्डिनेट करने का सिर्फ वाई को अच्छा टोटल लेंथ तो कितनी होगी टोटल कितनी है पी से क्यू तक m प्लस ठीक है तो हमेशा डिवाइड किससे करना है m प्लस n से अच्छा x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना x किसके इक्वल आएगा m को इस साइड मल्टीप्लाई करो किससे होगा x से क्या है n x2 n को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे क्या है n x1 डिवाइडेड बाय टोटल सेम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना m किससे मल्टीप्लाई होगा y2 से n y2 plus n y1 divided by n plus n
अच्छा एक बात बताओ, अगर इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो किसके कैलकुलेट कर सकते हैं? हो जाएगा करने के, इसको x और y लिख लूंगा, ये क्या है x टू y टू, वैल्यू पुट करते यहां क्या कैलकुलेट होगा, x टू कैलकुलेट हो जाएगा, ये चीज तो कर सकते हैं। चलो मैं कैलकुलेट करता हूं, एग्जांपल find the point which divides the line segment the points 2,3 and -5,7 in the ratio karo jaldi kaise find the point which divides the line segment joining the points 2,3 and -5,7 in the ratio 2:3. रिवीजन में सबसे पहले बाकी के चैप्टर करवा के फिर से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग से सारे के रिवीजन हो जाते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये चैप्टर में कुछ करवाएंगे ना, एक ही फॉर्मूला है, नई वाले ही करवाते हैं, नाइंथ में जाते हैं फॉर्मूला, ये नाइंथ से भी ओके
कैलकुलेट करना है, अभी बताया n और n की वैल्यू दिया है, x और x को दिया है, सभी चीजें दी है, कैलकुलेट कर, नहीं हो रहा। उसी में किया करो, अलग अलग जगह नहीं करना था। गलत हो जाएगा तो अगली बार पड़ेगा, पता चलेगा ना कभी पता ही पहले मैंने एक गलती की थी, उसकी गलती का पता चलेगा तभी तो करे। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतनी देर बाद रिप्लाई कैसे आया, बीच में गायब हो गई थी। मृदुला इतनी देर कहाँ थी, तो मैंने एक्सप्लेन भी किया, उसके बाद मैंने पूछा समझ में आया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, इतनी देर बाद रिप्लाई आया। लेट्स सॉल्व, फॉर्मूले की डेरिवेशन समझ में आ गई थी, नहीं आई तो लास्ट वाला याद रख लेना, फॉर्मूला याद रखना बस। डेरिवेशन सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए और समझने के लिए कि कैसे बनता है फॉर्मूला। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। एक पॉइंट दिया 2.3, ठीक है, एक दूसरा पॉइंट दिया -5.7, फिर इसको 2:3 में कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती बालक। अच्छा कैलकुलेट करके क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा इधर, 3 मल्टीप्लाई होगा इधर, और डिवाइड में क्या आएगा 2+3। एक्स कैलकुलेट करना है, क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई -5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2+3, कितना जाएगा -10 +6 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -4/5। y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2+3, 14 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 23/5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे पॉइंट के, -4/5 एंड 23/5, -0.8, 4.6।
कुछ बोल रहा था, नहीं आवाज आई थी, बोल रहा था। चलो नेक्स्ट, फाइन द रेशियो एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining with the points 4.5 and -2, -3. एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जब भी अच्छा पूछा गया, दो चीजें पूछी हैं क्या, एक तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और एक रेशियो, दोनों चीजें पूछी हैं। तो लेट द रेशियो इज एम इज टू एन एंड the coordinates of point coordinate of the point on x axis. Acha x axis pe hote hain to coordinates kya hote hain, x comma 0. yahan se kya koi doubt, ye to aapko write kar sakta hai, do cheeze puchi thi, dono cheeze write kar. Video is not busy. Phone na gives me this phone. अभी दिख रहा है? वंश शर्मा, is it clear now? अच्छा m is to n के रेशियो में डिवाइड करो क्या आएगा, 4.5 ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, -2, -3 रेशियो दिया है, m is to n और ये दिया है x, 0. अच्छा x कोऑर्डिनेट किसके को आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा m इधर मल्टीप्लाई और एन इस तरफ मल्टीप्लाई, क्या आएगा -2 (n) + -3 (n) / 4 (n) / (m). अच्छा वाई कोऑर्डिनेट किसके को लेगा, 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या आएगा -3 (m) + (n) (5) / (5) / (n) / (m). अच्छा क्या दूसरे वाले से m/n या m/n कैलकुलेट हो सकता है, इसमें तो और कोई है ही नहीं वेरिएबल, कौन कौन से, m और n,
तो रेशियो कैलकुलेटर जाएगा, और रेशियो कैलकुलेटर में तो एक्स कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट हो जाएगा, हो सकता है नहीं हो जाएगा। करो सॉल्व कर दीजिए। जल्दी सॉल्व करें। एक्स इज इक्वल टू 5/3 प्लस रणदीप सिंह एंड इफ ओके सर चलो करते हैं सॉल्व। अच्छा n प्लस n किधर जाएगा? डिवाइड पर डिसाइड मल्टीप्लाई क्या बनेगा? जीरो। तो 0 इज इक्वल टू माइनस 3n प्लस का 5n, ये सॉल्व हो गया आपको। इस तरह से क्या रहेगा? 3n इज इक्वल टू 5n, 3 कहां रहेगा? इस तरफ डिवाइड हो, तो n इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3। कैलकुलेट क्या करना है? m इज टू n या m अपॉन n, तो n इस साइड है, ये इधर जाएगी क्या होगा? डिवाइड में तो m अपॉन n, ये क्या गया? इसका मतलब m इज टू n कितना आएगा? 5:3। क्या करूं? m की वैल्यू कितनी है? 5, n की वैल्यू 3, वैल्यू पुट की कितना आएगा? x
is equal to minus 2 multiplied by 5 plus 4 is not visible. इतना तो दिख रहा है ना लिखा हुआ, ये भी नहीं दिख रहा, रिस्क लेनी पड़ेगी। अच्छा x की वैल्यू कितना जाएगा, माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री डिवाइडेड बाई फाइव प्लस थ्री, कितना बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस का टेन प्लस का ट्वेल्व डिवाइडेड बाई एट, तो x इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई एट इज इक्वल टू वन बाई फोर, कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे, वन बाई फोर को सी आंसर। डाउट है किसी को कोई? वन शर्मा आप तो दिख रहा है, क्लियर है? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई शॉर्टकट नहीं करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, एक छोटा सा चेंज करो जो एक लिखा, फाइंड द रेशियो एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,3 एंड -2,-3। Thank you.
जो भी था रेशियो 4:2 होता है कि 2:1 होता है जब भी रेशियो लिखा जाता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है कोऑर्डिनेट्स विल बी 0, x को किया 0 पॉइंट क्या है 4.3 दूसरा पॉइंट क्या है -2.-3 ये वाली लाइन किस रेशियो में डिवाइड किए एम इज टू एम पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है 0.y तो 0 इज इक्वल टू क्या है एम मल्टीप्लाई बाय इधर एम किधर मल्टीप्लाई होगा इस साइड क्या है -2 मल्टीप्लाई बाय एम प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय एम डिवाइडेड बाय एम प्लस एन वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा बोलो -3 मल्टीप्लाइड बाय एम प्लस 3 कोमा मल्टीप्लाइड बाय एन डिवाइडेड बाय एन प्लस एन अच्छा ये वाला इधर मल्टीप्लाई क्या रहेगा 0 तो 0 इज इक्वल टू -2n प्लस का 4n इस वाले को इस तरफ शिफ्ट कर दो पॉजिटिव हो जाएगा क्या है 2n इज इक्वल टू 4n 2 कहां जाएगा इस साइड डिवाइड में 4 डिवाइड बाय 2 n इस साइड मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा डिवाइड में m बाय n कितना आ गया 2/1 तो n इज टू n इज इक्वल टू 2:1 m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 1 वैल्यू पुट करो क्या आएगा y इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2+1 तो y इज इक्वल टू -6 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 3 तो y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा -1 तो कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -1
किसी को कोई डाउट है? नहीं है पक्का? फिर से सोच लो, चलो बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।